शाहजी आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं जिस हमदे बारी ताला के कलाम का जो है सहारा लेना चाह रहा हूँ, गालबन शाह साहब करीब हैं शाहजी की आमद पे, तो मैं ये आठवां सालाना उर्से पाक है जिसमें आप लोग शिरकत कर रहे हैं और मेरी भी आज खुशकिस्मती के मेरी शिरकत हो रही है। मेरे साथ आज की इस महफिल में मेहमान बने खसूसी तौर पर हाफिज नईम साहब की दावत पे खलीफा मजाज बोहड़ा शरीफ सूफी हामिद नवाज साहिब खलीफा, आप भी तशरीफ फरमा हुए, मैं आपको भी सलीम कल्ब से खुश आमदीद कहूँगा। मेरे साथ मलिक इमरान साहब, जनाब मलिक मुनव्वर साहब, आप भी हमारे भाई हैं, आपने भी शिरकत की, मैं आपको भी सलीम कल्ब से खुश आमदीद कहूँगा। हर साल की तरह यहाँ पे आपकी हाजिरी भी होती है, नाम भी खूबसूरत है, नस्बत भी खूबसूरत है, पंतनी साहब को मुख्तसरन पंतनी कहा जाता है और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी नस्बत है। सज्जाद साहब को मैं सलीम कल्ब से खुश आमदीद पेश करूँगा और जनाब साहबजादा मोहम्मद हसीबुररहमान सियालवी साहब, खूबसूरत नस्बत आपकी भी सियाल लजपाल से, पीर सियाल लजपाल की नस्बत लेके आप भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आपकी भी हाजिरी होगी। जनाब आसिफुल हसन मद्दाए हबीब, आप भी रावलपिंडी से खूबसूरत सना खान हैं, हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, आपकी भी हाजिरी है। आओ मैं कहना कुछ यूं चाह रहा हूँ, मौला नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो ये वो आबिद ख्याल के लिखे हुए कलाम के मिसरे हैं जो आपने महफिल समा में समात किए होंगे। बिस्मिल्लाह साउंड के तआवुन से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समातों तक पहुंचा सकूं और फिर जैसे ही शाहजी ने आना है मैंने भी हैदर हैदर की गूंज करनी है, आपने भी हैदर हैदर की गूंज करनी है। कह रहा हूं मौला नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, इस कलाम से मुझे पता चल जाएगा कि आप किस कदर जागते हुए बैठे हैं। बिजली तो नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर शदीद गर्मी भी नहीं है, ये मस्जिद का साया भी अब पक्का साया है आप तक पहुंच चुका है, बड़ा अच्छा मौसम है। कोशिश कीजिए कि आपका जवाब आए मौला नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो। कह रहा हूं मौला नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो, कभी कंकर को बना देते हो हीरो की कनी तो कभी हीरो को भी मट्टी में, कभी हीरो को भी मट्टी में मिला देते हो। और ख्वाहिशे दीद और ख्वाहिशे दीद और ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई तूर ही भर के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में, हाँ जी नारे नमरूद में, नारे नमरूद में टलवाते हो खुद अपना खलील, फिर उसी नार को गुलजार बना देते हो। जज्ब मस्ती की जो दल पे पहुंचता है कोई कैस के दिल में अनल हक की सदा देते हो। और देख यूसुफ को मिस्र के बाजारों में आखिरकार शहे मिस्र बना देते हो, अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। और खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। या अली या गौसे आज़म, खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो, क्योंकि तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है और तेरे ही नाम पे हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है, और तेरे नाम पर ऐ खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा, तेरा नाम लब्बे रहे सदा मेरे दिल की है बस यही दुआ। अल्लाह के आलम के बेपनाह वसतों वाले नाम के बाद सैयदी आला हजरत ने जो लिखा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत पे भी, जो लिखा कमाल लिखा, जो लिखा कमाल लिखा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और ये भी आला हजरत ने लिखा है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है।
हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। आओ मैं आज की इस महफिल में बाज़ाब्ता तौर पर हाजिरी के लिए पहली हदीयाए अकीदत बाज़ाब्ता तौर पर नाज़ शरीफ के लिए दावत पेश करने लगा हूँ जनाबे कारी आसिफुल हसन साहब को। आप आते हैं और मुख्तसरन बारगाहे खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी पेश फरमाते हुए हदीयाए अकीदत भी पेश फरमाते हैं और जिक्र मौला अली भी फरमाते हैं। अब आपने हाथों को बुलंद करना है, क़िबला शाहजी के आने पे जो नारा मैंने लगाना है उसी का जवाब आपने भी पेश करना है। जनाबे कारी आसिफुल हसन रिजवी साहब बारगाहे खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। नारा तकबीर जागते हुए तरपाल शरीफ वालों सैयदों के आस्थाने पे आए हो, आपके तो सीनों में इतना जोर होना चाहिए कि एक बार आवाज जो है यहाँ से तरपाल से तो बाहर जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी आवाज गुंबद खजरा से जाके टकराए, क्योंकि गुंबद खजरा से कोई भी नहीं टकरा सकता। ठीक है, जो जाते हैं ये देखें ये पिछले दिनों में क्या हुआ, ये बड़ी बातें होती है। मैं ये कहूंगा कि आप इतनी आवाज और मोहब्बत के साथ नारा लगाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे इस नारे, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि हम जो दरूद पढ़ते हैं वो हमारे आका या सैयदा आमना के लाल सैयदा ज़हरा के बाबा आप समाद भी करते हैं और उसका जवाब भी हमें देते हैं। आप दुरूद शरीफ की महफिल में आए बैठे हैं, एक बार उसूल बरकत के लिए नारा तकबीर सलामत रहो ना, आपके अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत। सलाम दर है जहां दिल नहीं तोड़े जाते, तो कोई लब खामोश न रहे मेरे आका की बारगाह में चुमकर पढ़िए, पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या। आपकी आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, यार रसूल Oh, hey.
बाजू हमारे जिस्म के साथ होने का फायदा नहीं है। खुदारा ये जिक्र सुनियों का है, दिल खोल के किया करें। दम दम हर वेले अस अली अली कहनाए, दम दम हर वेले अस अली अली कहनाए, दम दम हर वेले अस अली अली कहनाए। नूर दे फुल कोलो बहादत दी कली कोलो उखजड़ा मोड़ लवे दम हर वेले अस अली अली कहना है।